नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। स्वीडन में कुरान जलाई जाने की घटना को एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुरान के अपमान पर जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो यमन ने कर दिखाया। यमन में हुती संगठन ने स्वीडन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ किसी भी तरह के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हुती व्यापार मंत्री ने बताया है कि स्वीडन से हर तरह के सामान के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यमन ने 30 स्वीडिश एजेंसियों और 100 स्वीडिश ब्रांडों की एक सूची तैयार की है, जिसे देश में आयात नहीं किया जाएगा। यमन के व्यापार मंत्री ने कहा है कि स्वीडन की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध का फैसला मंत्री परिषद की मंजूरी पर लिया गया है और इसे एक लागू करने के लिए समिति का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी दुकान में स्वीडन का सामान दिखता है तो उस दुकान के मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। इसे लेकर हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ बैठक की है और उन्होंने हमारे इस फैसले का खुले मन से स्वागत किया है। हुती नेता ने कहा है कि अगर मुस्लिम देश मिलकर स्वीडन और उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं तो इससे उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा और ये बाकी देशों के लिए भी सबक होगा। उन्होंने कहा है कि कुरान जलाने के अपराध में हम स्वीडन को सबसे कम सजा ये दे सकते हैं कि उसके साथ राजनीतिक संबंधों को खत्म कर दें और उसका आर्थिक बहिष्कार करें। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से भी अपील की है कि वे स्वीडन के सामानों को अपने देश में ना आने दें। आपको बता दें, यमन कुरान के अपमान के बाद स्वीडन की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुस्लिम देश है। हालांकि स्वीडन पर अभी तक किसी भी देश ने आयात प्रतिबंध नहीं लगाया है। हुती स्वीडन पर आयात प्रतिबंध लगाने वाला पहला समूह है। हुतियों के व्यापार मंत्री ने कहा कि एक प्रतीकात्मक कदम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार सीमित है। आपको बता दें, हुतियों ने 2014 के अंत में राजधानी से यमन सरकार को हटा दिया था और देश के कई क्षेत्रों में कब्जा भी कर लिया था। उत्तरी यमन में हुतियों की सरकार चलती है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी के साथ फलस्तीन से एक खबर और है। सेना की सरपरस्ती में कट्टरपंथी इजरायली एक बार फिर से मस्जिद अलक्षा में जा घुसे। बताया जा रहा है कि इन जियोनियों ने मस्जिद अलक्षा में घुसकर इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए और हॉर्न भी बजाए। बैतुल मकदस के अनादर पर फलस्तीनी जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मस्जिद अलक्षा के इमाम इजरायली कार्रवाइयों को देखते हुए पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि फलस्तीनी जनता इजरायलियों को किसी भी कीमत पर मस्जिद अलक्षा के किसी भी हिस्से में कब्जा नहीं करने देगी। फलस्तीनी जनता कब्जाधारी इजरायलियों का डटकर मुकाबला करेगी। बैतुल मकदस और मस्जिद अलक्षा की हिफाजत के लिए उनकी उंगलियां हमेशा बंदूक के ट्रिगर पर रहेंगी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो न्यूज़ को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।